पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता हे अशरण शरण तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो हे करुणा सागर हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है हे नाथ अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो हे जीवन धन अब बहुत हो चुका अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है अतीव प्रेम भिक्षा दे प्रेम भिक्षा दे
राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्री वत्स सतगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम चंद्र कृपालु भजमन
कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज अरुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज पर शरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम चंद्र कृपालु भज पर हरण भव भय दारुणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दै रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम सिर मुकुट कुंडन तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल धन वंजनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम जयति जगद्गुरु।
भगवान ने कहा क्या है, क्या बकबक कर रहा है? अरे मैं युद्ध करने आया हूँ, तूने तमाम दैत्यों को मार करके देवताओं का पक्ष लिया है हमेशा, इसलिए तुझको मार करके हम उन सब का बदला लूंगे। भगवान ने कहा अरे भाई हम तो डरपोक हैं, अभी तुम कह रहे थे तो डरपोक आदमी क्या युद्ध करेगा, हम तो वध करेंगे तुम्हारा। विष्णु चाहे युद्ध करके तुम मरो, चाहे सीधे सीधे आगे मर जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको आज। ऐसा कह करके उसने भगवान के छाती में गदा मारी, वज्र गदा। सोचो जब वो स्वर्ग तक लंबा है तो गदा कितनी बड़ी रही होगी। भगवान की छाती में मारा, भगवान को क्या असर होना है, जैसे कोई किसी के ऊपर गुलाब की पंखड़ी फेंक दे। आखिरकार भगवान ने भी गदा को बुलाया, अब दोनों का युद्ध हुआ, अब दोनों लहूलुहान। भगवान ने गदा मारी और हिरण्याक्ष ने गदा से गला को काट दिया, भगवान खिसिया के खड़े रह गए। भौं पे गदा मारी भगवान ने, उसको काट दिया। टोढ़ी पे गदा मारी तो उसने गदा से उस गदा को ऐसे जोर से मारा कि गदा नीचे गिर गई, हाथ से छूट गई। अब निहत्थे ठाकुर जी, लेकिन हिरण्याक्ष ने प्रहार नहीं किया, उन्होंने कहा उठा गदा फिर से, शस्त्रहीन शत्रु पर हम हमला नहीं करते, अधर्म है। भगवान मुस्कुराए कि धर्म को मानता है, हाँ जानता है धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो जब भगवान की गदा गिर गई तो भगवान ने कहा अब उसको नहीं उठाते, चक्र को बुलाया। तो वो त्रिशूल लेके दौड़ा, भयंकर त्रिशूल, चक्र ने त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने बहुत माया के कार्य दिखाए, आग बरसाए, क्या क्या किया, जो कुछ कर सकता था उसने सब अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। भगवान ने सब को चक्र से समाप्त कर दिया। अब जब वो निहत्था हो गया तो घूंसा मारने आया भगवान के, और छाती में घूंसा मारा उसका, घूंसा इतना विराट जो हो। तो भगवान ने कहा जैसे हमारे देखते हैं आप लोग ना कि पिक्चर में पहले तो गोली चलती है बाद में हाथ चलता है, यानी करामात हाथ की भी दिखाना है। ऐसे ही पहले तो कहां बड़े बड़े हथियारों से युद्ध हुआ दोनों का, और बाद में अब मुक्का उक्का चलने लगा। अब जब मुक्के से भी नहीं जीता तो उसने चिपटाया भगवान को, जोर से मैं दबा के इनको समाप्त कर दूं। तो भगवान उसके चिपटाने पर गायब हो गए। तो देखा तेरे कहां गया हो, भगवान बाहर खड़े हैं। फिर उसने घूंसा मारा भगवान के, तो भगवान ने अनमनस्क भाव से एक झापड़ मारा। झापड़ लोग कहते हैं थप्पड़ का जवाब
मुक्के से देंगे। अब भगवान ने मुक्के का जवाब थप्पड़ से दिया, उसी थप्पड़ में वो गिरा, आंख निकल आई, मुंह से खून गिरने लगा और मर गए। यानी गदा वगैरह से तो नहीं मरा और थप्पड़ से मर गया, यानी इतना खेल खिलाने के बाद उसको मारा। तो 12 अवतार में इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध हुआ, ये खबर हिरण्यकश्यप को मिली। अब वो तो आपे से बाहर, मेरे भाई का मर्डर हो गया, मेरे शत्रु ने किया, मुझे धिक्कार है। और हिरण्यकश्यप की स्त्री और सब बच्चे रोने लगे। मामूली पतियों के लिए, बच्चों और बाप के लिए लोग संसार में रोते हैं, और त्रैलोक विजयी जिसका पति हो बाप हो उस परिवार का क्या हाल होगा। तब हिरण्यकश्यप ने उन सबको समझाया। ध्यान दीजिए यहां पर, हिरण्यकश्यप ने जो समझाया वो प्योर वेद का सिद्धांत, गीता का सिद्धांत। आत्मा नित्य है और शरीर तो पहले भी अनित्य था और सदा अनित्य है, और वो शरीर तो तुम्हारा पति था नहीं, बाप था नहीं, और वो था भी तो सामने लेटा हुआ है। ये सब जो गीता के दूसरा अध्याय का प्रवचन है और जो बड़े बड़े योग वासिष्ठ वगैरह के सिद्धांत हैं, गरुड़ पुराण वगैरह के, वो सब बोल गया। इतना बड़ा ज्ञानी भी था शास्त्र वेद का, सबको समझाया हिरण्यकश्यप के परिवार को। और समझाने के बाद उसने निश्चय किया कि अगर मैं युद्ध करने जाता हूं तो मुझे भी मार डालेगा वो, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो मुझसे कम नहीं था, दोनों की बराबर शक्ति थी। इसलिए हमें बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। उसने कहा तप करेंगे, तप, और तप के द्वारा अमरत्व का वरदान लेंगे, फिर उसको चैलेंज करेंगे। ये सब प्राइवेट करेंगे। उसी समय प्रह्लाद कयाधु के पेट में आए, हिरण्यकश्यप की स्त्री के पेट में आए कयाधु के। तो जब तपस्या करने चला गया तो इंद्र ने कहा यह अच्छा मौका है, तहस नहस कर दो इसके सब परिवार को। तो सारे देवताओं की सेना को लेकर उसने हमला बोल दिया हिरण्यकश्यप के राज्य पर, परिवार पर, और कयाधु को भी बांध करके ले चला जिनके पेट में प्रह्लाद थे। लूटा खसोटा सब, महल के जितने भी शानदार चीजें थी सब ले गया। तो रास्ते में नारद जी मिल गए, उन्होंने कहा क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं? अरे अपने शत्रु की स्त्री को ले जा रहा हूं, जेल में बंद कर दूंगा स्वर्ग में। अरे बेवकूफ, इसके पेट में एक बहुत बड़ा महापुरुष है और वो ऐसा वैसा महापुरुष नहीं है, बड़ा खास महापुरुष है, इसलिए इसके खिलाफ कुछ भी सोचा तुमने अगर तो वो जो तेरा अध्यक्ष है ना भगवान, वो तेरी खबर ले लेगा। छुड़ा दिया इंद्र ने,
फिर कयाधु को अपने आश्रम में रख लिया नारद जी ने और वहां पर अनेक शास्त्र वेद के सिद्धांत सुनाए। उन सब सिद्धांतों को प्रह्लाद ने भी सुना और याद कर लिया और शरणागत भी हो गए, भगवान के श्री कृष्ण के भक्त भी हो गए, भगवत दर्शन भी हो गया, सब काम उनका पेट के अंदर हो गया। इधर हिरण्यकश्यपु तप करने गया, अंगूठे पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके और गर्दन ऊपर करके देवताओं के 100 वर्ष तक खड़ा रहा ब्रह्मा का ध्यान करते हुए। 6 महीने की रात होती है देवताओं की और 6 महीने का दिन होता है, यानी 1 साबर 1 दिन के और 100 दिव्य वर्ष उसने तप किया और पानी भी नहीं पिया। निरंबुर धारये प्राणान को वै दिव्य समास्ततम भागवत। दिव्य 100 वर्ष तक निरंबु रहा, जल भी नहीं पिया और उसके तेज से स्वर्गलोक भी जलने लगा, हाहाकार मच गया त्रैलोक में। सब देवता लोग ब्रह्मा के पास गए कि महाराज ये तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं समाप्त नहीं होगी, मैं जानता हूं वो मेरे ही लिए तप कर रहा है, मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी गए, कमंडलू से जल डाला, उसकी समाधि टूटी। ने कहा बेटा हो गया मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है, बर मांग ले। बस यही तो तपश्चर्या का एम था उसके। उसने कहा बात बन गई, अब मांग लो। महाराज जो मांगेंगे दोगे ना? हाँ हाँ देंगे जो मांगेगा। उसने पहला बर मांगा, भूतेभ्यः पद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। आपके बनाए हुए जितने भी जीव है सृष्टि में, देवता हो, दानव हो, मानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, किम पुरुष हो, नाग हो, उनसे हमारी मृत्यु न हो। नान्तर बहिर दिवानत्व मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम बरे मृत्युर् न नरैर् न मृगैरपि। घर के अंदर भी मृत्यु न हो, बाहर भी न हो, किसी हथियार से भी न हो, जमीन पर भी न हो, आसमान में भी न हो, मनुष्य से भी न हो, पशु पक्षी से भी न हो, ऐसा बर दीजिए। बड़ी बुद्धि लगाया, लंबा चौड़ा बर मांगा। ब्रह्मा ने कहा ठीक है मैं दे दिया, जाओ। अब अमरत्व का ऐसा लंबा चौड़ा वरदान पा करके और तपश्चर्या से इतना तेज उसका हो गया, अट्टहास करता हुआ वहां से लौटा कि अपने भाई के मरने वाले से बदला लेकर ही छोड़ेंगे। लौटने के बाद क्या हुआ ये आज नहीं कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रंग में भूलो।
मंगाओ रंग के सर घो छीन याही पहिराए
सांबर ले उठीन आई सही राज चोरोली यही विनती करे
कलश
मंगाओ या मैं केसर घोरो री Thank you.
छोड़ो
सखिया है सब ये छोड़ो रे, रंग में गोरोरी आज आए रंग में गोरोरी, राजे राजे वो आज आए रंग में गोरोरी, गोरी खेलन आयो शाम आज आए रंग में गोरोरी, गोरी के रसिया की प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली, प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली, प्यारी 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 मेरी बरसाने।